वसीले को मानना है, लेकिन वसीले से वही माने लेनी है जो कुरान में है, हदीस में है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, सूरह मायदा सूरह 5 आयत नंबर 35, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, अल्लाह से क़ुर्बत का वसीला इख्तियार करो। वसीला नाम तो आया कुरान में, लेकिन वसीले से मुराद क्या है? वसीले से मुराद हमें वही लेना होगा जो कुरान में हदीस में है। कोई कहे नमाज में ऐसे सर पे हाथ रख के पढ़ूंगा तो हम कहेंगे नहीं जायज़ है। क्यों? कहीं नमाज कुरान हदीस में ऐसा बताया गया है सर पे हाथ बांधो? नमाज वही है जो कुरान और हदीस में है, उसी तरह वसीला वही है जो कुरान और हदीस में है। और कुरान और हदीस में हमें तीन टाइप के जायज़ वसीले मिलते हैं। एक है कि किसी जिंदा शख्स से कहा जाए कि भाई मेरे लिए दुआ करो, जैसे सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे, यार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारे लिए दुआ करें, तो ये जायज़ है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से चले जाने के बाद जब हम देखते हैं उमर रज़ी के टाइम पर जब पानी की कमी हुई, बारिश नहीं हुई, तो क्या वो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर जाकर कहा उन्होंने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारे लिए दुआ करें? हमें मिलता है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा से कहा कि आप हमारे हम में फजीलत रखते हैं, आप अल्लाह ताला से दुआ करें। हम ये बात गौर करें, किसी जिंदा हयात शख्स से कहना कि मेरे लिए दुआ करो। या दूसरा किस्म का साबित वसीला कि अल्लाह ताला के नामों और सिफतों से अल्लाह ताला को पुकारना, जैसे अल्लाह ताला ने खुद कुरान में सूरह आराफ सूरह 7 आयत नंबर 180 में सिखाया है। तीसरा, अपने नेकियों के हवाले से अल्लाह ताला को पुकारना। लेकिन अगर कोई कहे कि कोई किसी की ज़ात के हवाले से पुकारना होगा, तो हमें समझना है प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहीं ये नहीं सिखाया, और उन्होंने दीन में नई चीज़ करने वालों के ताल्लुक से कहा है सूखन सूखन, चले जाओ तुम यहाँ से, कयामत के दिन कहेंगे।